पानीपत ग्रामीण विधानसभा में कौन सी पार्टी से विधायक होने वाला है, क्या चाहते हैं अब की बार वोट? हमारा तो बीजेपी का ही है जी। हाँ जी, बीजेपी का है हमारा तो। बीजेपी का है जी। बीजेपी ही क्यों, और पार्टी क्यों नहीं? हमारी पसंद वही है जी। क्या 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 खासियत है बीजेपी के अंदर? बहुत अच्छी खासियत है जी, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे विकास हो रहे हैं। नूर वाले में क्या गंध था एक टाइम में, आज देखो सड़कें बढ़िया, सब सही है, बढ़िया। नूर वाले में विकास हुआ, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। पक्की बात है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो डांडा जी विधायक रहे थे तो विकास किया? बिल्कुल किया है, आते भी रहते हैं वो तो। अच्छा, 10 दिन में 15 दिन में चक्कर लगता रहता है इधर, लगता रहता है। बिल्कुल, खट्टर साहब भी हमारे 3 बार आ चुके हैं, बनने के बाद भी, बनने से पहले भी आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे, बनने के बाद भी आते हैं जी। बिल्कुल जी। आपके क्या नाम हो गए सर? मेरे भाई ने डॉक्टर सन्नी। डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं इस बार का प्लान क्या है, कौन सी पार्टी से विधायक चाहते हैं यहाँ की जनता? जनता का के मूड का तो पता नहीं होता, बाकी मैं तो खुद कांग्रेस ही हूँ भाई। आप कांग्रेस ही हैं? मैं तो कांग्रेस के विधायक को चाहूँगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर, कौन कौन सा होने वाला है? भाजपा वाले माफ़ करें, मतलब काम नहीं किया भाजपा वालों ने, 10 साल हो गए भाजपा की सरकार को, कुछ नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, 10 लाख 15 लाख कोटे माने थे कहाँ गए? मैं 400 रुपये का सिलेंडर था जब इनका राज आने से पहले 2014 में, आज 1200 का सिलेंडर हो गया। लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पर तो विकास हुआ है नूरवाला में, काफ़ी अच्छा विकास। कुछ विकास नहीं हुआ, ये बस एक खाली ये जुमले वाली सरकार है, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, कुछ विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी मोदी के राज में रेल दुर्घटना सबसे ज़्यादा हुई है। अच्छा, रेल के डिपार्टमेंट का कबाड़ा कर दिया मोदी सरकार ने। लेकिन कमियां कहाँ नजर आती है बीजेपी में, क्या लगता है कि ये कारण है? नजर आती है हर जगह, नजर आती है। अभी इन्होंने अग्निवीर योजना निकाली है, ओनली 4 साल की सर्विस है फौजी की, बताओ। वो बेचारा अब वो यंग है, 4 साल बाद नौकरी करके वो क्या करेगा? लेकिन बोलते हैं कि 25% तो रखे भी जाएंगे उसके अंदर, परमानेंट के कुछ तो रखे भी जाएंगे परमानेंट उस अग्निवीर में। लेकिन जब वो रिटायर होंगे तो 20 लाख के आसपास कुछ उन्हें दिया जाएगा ताकि वो कुछ अपना काम कर सके। सर ऐसा तो देखो, इस बात का तो मुझे पता नहीं, 20 लाख ये तो सरकार को पता है भाई उनको कितना दिया जाएगा, बट 4 साल की सर्विस किसी ने रखी है? किसी भी सरकार ने रखी नहीं। ये तो एक सेना के मुँह पर तमाचा है, बेइज्जती का। अच्छा, सेना की बहुत बड़ी बेइज्जती है जो 4 साल की सर्विस दे रहे हैं, बताओ। जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं जी, जिनकी वजह से हम अपने घर में सुख से सोते हैं और चैन से जीते हैं और आनंद मनाते हैं अपने देश में रह के, उनके लिए मोदी सरकार ने ऐसी बेइज्जती कर दी, बताओ। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है जी। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपनी विधानसभा की बातचीत करते हैं। पिछली बार की चुनाव की बात करूँ तो कांग्रेस का तो इतना खास बोला बाला यहाँ पर दिखाई नहीं दिया ग्रामीण में। संदीप भारद्वाज बल्कि आजाद उम्मीदवार थे, 3रे नंबर के कैंडिडेट रहे, तो इस बार कैसे यहाँ से जो विधानसभा चुनाव होंगे, यहाँ से टिकट होगा, कैसे यहाँ से कोई कांग्रेस का विधायक बन सकता है? कांग्रेस का देखो, हम तो यही चाहेंगे जी, दीपेंद्र हुड्डा बने। हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा को चाहेंगे हम। अच्छा, विधायक के रूप में कैंडिडेट वो तो जो बड़ा मुख्यमंत्री है ना, दीपेंद्र हुड्डा को चाहिए, वही आए। तो इन्होंने जो खट्टा साहब है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया हरियाणा के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं टिकट वालों की बात करूँ तो टिकट मांगने के लिए तो लगभग मैं बात करूँ तो 40 से 50 लोग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लगता है किसी का नंबर पड़ जाएगा टिकट में? देखो सर, अब ये तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो किसी का नाम सुनने में आता है? एक्चुअली क्या है, मैं ज़्यादा राजनीति में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी सरकार के बारे में जो सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे भी यूट्यूब चैनल पे आ रहे लोगों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बहुत बुरी बेइज्जती की है जनता ने सरकार की, जो बीजेपी की लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी बेइज्जती की है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, वहाँ से हार गई है, वाराणसी से हार गई, अमेठी से हार गई, रायबरेली से हार गई, बड़ी मुश्किल से जीते हैं, पता नहीं कैसे जीते हैं, बेईमानी हुई है, क्या हुआ है, ये तो यही सरकार जाने कैसे। अभी भी शक कर रहे हैं बेईमानी हुई है, अभी भी ऐसा बोल रहे हैं? नहीं हुआ है सर, हुई है, हुई तो है, कहीं ना कहीं तो हुई है। अच्छा, चलिए शुक्रिया। फिलहाल देखिए, आ जाओ, आगे आ जाओ, और भी लोगों से बातचीत करेंगे तो कैसे चुनाव को लेकर के जो यहाँ का वोटर्स है फिलहाल वो सोच रहा है। आ जाओ इस साइड में, आ जाओ फिलहाल, आ जाओ इस साइड में, आ जाओ फिलहाल। देखिए पानीपत ग्रामीण में घूम रहे हैं और लोगों से चर्चाएँ कर रहे हैं कैसे चुनाव को लेकर के वोटर्स है जो वो सोच रहा है। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, यही के रहने वाले हैं जी आप? हाँ जी।
अच्छा, इस बार क्या प्लान बना रहे हैं? विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं? पानीपत ग्रामीण से? बीजेपी को। बीजेपी? हाँ। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी में काम नहीं हुआ। राहुल जी की बात की जाए तो राहुल जी बोलते हैं, राहुल गांधी जी, कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, मजदूर परेशान, किसान परेशान। मजदूर कहाँ बढ़ी, मजदूरी बढ़ गई है, मजदूरी नहीं बढ़ी है। अच्छा, मजदूरी नहीं बढ़ी है, ज्यादा महंगाई बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई तो मजदूरी बढ़ी। अच्छा, और तो इस बार भी फिर बीजेपी से चाहते हैं? हाँ, बीजेपी को चाहते हैं। आप भी चाहते हैं जी? भी चाहते हैं। ऐसे क्या मामला बीजेपी से, ऐसे क्या खुश हुए कि बीजेपी को ही चाहते? हम तो खुश हैं बीजेपी से। अच्छा। हाँ, बहुत खुश हैं। क्या कारण मानते हैं बीजेपी से खुश हैं आप? बीजेपी से जब से आई है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा, बहुत सुविधाएं। पक्की बात है? पक्की। चलिए, शुक्रिया। ये फिलहाल देखिएगा बीजेपी को बता रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बाहर से। यूपी के? यूपी से हैं। बाबा के वहाँ से हैं? चलिए, बाबा के वहाँ से हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फिलहाल देखिएगा, चर्चा कर रहे हैं। कैसे हैं अंकल जी? बढ़िया है जी। काम कैसे चल रहा है? काम बहुत अच्छा है जी। ठीक चल रहा है? बिल्कुल। मंदा तो नहीं है? मंदा नहीं है जी। अच्छा, चलिए, यहीं के रहने वाले आसपास? हाँ जी, यही नूर वाले के जी। अच्छा, इस बार विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं? बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस? ये बताएगा जी, ये कुछ नहीं कहता। अंदाजा चल रहा है कुछ? अंदाजा कुछ नहीं चलता जी। हाँ। ये तो समय ही बताएगा जी। हाँ। किसकी किस्मत जोर मारेगी। अच्छा, बीजेपी से 10 साल से विधायक है डांडा जी, तो विकास हुआ है आपके यहाँ? विकास तो सबके राज्य में होता है जी। नहीं, डांडा जी ने कुछ किया आपके यहाँ? बहुत कुछ किया। जैसे कि बताइए, कुछ गलियाँ, सड़कें, कुछ? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो खुश है बीजेपी? बहुत बहुत खुश है। अच्छा, बहुत खुश। चलिए फिलहाल, और केले खाइए आप। नहीं नहीं, शुक्रिया आपका, आ जाओ। फिलहाल देखिएगा, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चुनाव को लेकर के यहाँ का जो वोटर्स है वो सोच रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब? यहीं के हैं? बाहर से हैं? आ जाओ। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई साहब। मंदा सा दिख रहा है, कोई ग्राहक तो? ग्राहक है ही नहीं भाव जी, मार्केट में पैसा ही नहीं भाव लोगों के पास में, तो ग्राहक कहाँ से होंगे? अच्छा, जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से ग्राहक ही करेंगे? तो कैसा चल रहा है फिलहाल का? कुछ नहीं है जी, बस अपने टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास हो रहा है? तो यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले। अच्छा, इस बार पानीपत ग्रामीण से कौन सी पार्टी से विधायक चाहते हैं? बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस या कोई और? अरे सर, जैसा विधायक तो कोई भी बन जाए, वैसे तो जो बीजेपी का चल रहा है अपने यहाँ तो ज़्यादातर, तो जोर बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, आप भी जोर मान रहे हैं? रुपये किलो? हाँ जी, बिल्कुल। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है जी। तो क्या लगता है इस बार भी बीजेपी का जो चाल तो बीजेपी की चल रही है? अब देखो, और पता नहीं है, वो तो इलेक्शन होने के बाद में पब्लिक की डिमांड क्या रहेगी। अभी कुछ है, बाद में कुछ होता है भाई। हाँ, ये तो है, है नहीं है। अभी पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। लेकिन आपके मन में क्या है? अभी बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी पहले भी बीजेपी चल रही है, बीजेपी आ जाएगी। अच्छा है सिस्टम, अच्छा है। तो खुश है बीजेपी से? हाँ, बढ़िया खुश है, बड़ी अच्छी बात है जी। मंदे के बावजूद भी खुश है? नहीं, क्या करे बाबू जी, मंदा तो चलता रहता है। वो तो जैसे किसान लोगों का, अब सस्ती सब्जी होगी तो सस्ती मिलेगी, महंगी होगी तो महंगी होगी, कोई भी चीज़ लेके चलो। अब सीजन की चीज़ है, अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की होगी, है मंदी है, मंदी मिलेगी, अच्छी चीज़ है, अच्छी मिलेगी, अच्छे भाव मिलेंगे। कहने का मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, परेशानी नहीं, हल्की फुल्की है, वो चलती रहती है, हल्ती है फुलती है, सबके साथ में चलती रहती है, सबके साथ। हाँ जी, शुक्रिया आपका। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो इस बार विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी से चाहते हैं? हाँ जी। ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी से ही चाहते हैं भाई साहब? बीजेपी से ही है सरकार, कांग्रेस की तरह धोखा तो नहीं देती जनता को। कांग्रेस ने क्या धोखा दिया भाई साहब? बहुत बहुत लुटाया देश का। और तो बीजेपी में लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी में ऐसा होता है? अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो बीजेपी सही है? बीजेपी सही है, हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। पक्का है? पक्का है, वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, छोटे रुक जाए। ये जय श्री राम भी बोल रहा है, एक मिनट आपसे बातचीत करता हूँ। आपका क्या नाम है? प्रियांशु। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के ही है। उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। अब बीजेपी क्यों बता रहे हैं? बीजेपी अपनी क्या कारण है, क्यों मानते हैं बीजेपी को, क्यों बता रहे हैं? अच्छा काम हुआ बीजेपी में, या कोई आपको लगा हाँ भाई बीजेपी के राज में ये सब कुछ अच्छा है इसलिए मानते हैं, या कोई और कारण है? इसलिए मानते हैं। हाँ, बस अच्छा काम हुआ है। हाँ, कांग्रेस का राज आएगा तो वो भी तो अच्छा करवाएंगे भाई साहब? ना, वो नहीं करवाने का। अच्छा? हाँ, वो नहीं करवाएंगे। अच्छा, क्यों, उनसे उम्मीदें नहीं है? कांग्रेस वालों से उम्मीदें नहीं है ना? ये भाई साहब कांग्रेस वालों से बोल रहे हैं, उम्मीदें ही नहीं। सही बात तो बोल रहे हैं भाई। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?
ऐसा उसने अपना हुलिया ऐसा नेचर बना रखा शुरू से, और कांग्रेस सही नहीं है। हमें तो बीजेपी चाहिए, बीजेपी ही आएगी, और 100% श्योर है बीजेपी ही आएगी। आएगी भी बीजेपी और चाहिए भी बीजेपी। हाँ जी जी, यहीं के रहने वाले? हाँ जी, नूरवाला के ही है। नूरवाला के हैं फिलहाल। आ जाओ इस साइड में, आ जाओ, और भी लोग हैं, और भी लोगों से चर्चा ही करेंगे। आ जाओ इस साइड में घूम जाओ। कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब कैसे हैं? ठीक चल रहा है काम? तो मंदा है, मंदा मंदा चल रहा है। आ जाओ फिलहाल, देखिएगा चर्चाएं करने के लिए आए हैं लोगों से। कोई बात नहीं, वहाँ भी चले जाएंगे। दुकान वाले भैया जी कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। काम धंधा कैसे चल रहा है? ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं? और भाई, हेलो, हाँ मैं कहीं गिर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पूछने के लिए आए हैं कि कैसे चुनाव को लेकर के अगली बार, कैसे चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के अगली बार कौन सी पार्टी से विधायक चाहते हैं? बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस? अरे जो भी आएगा बढ़िया है, जो भी आए सब बढ़िया है। और क्या? अरे बीजेपी के राज में अच्छा लगा कुछ? सब बढ़िया है, हारा ही बढ़िया है। कोई भी आओ वो भी बढ़िया है। आ जाओ इस साइड में, आ जाओ। फिलहाल देखिएगा चर्चाएं कर रहे हैं। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी मिले थे आप? हम बैसवाल मोड़ कर रहे हैं। अच्छा, तो अब की बार विधायक कौन सी पार्टी से चाहते हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी चाहते हैं? क्या कारण मानते हैं? बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? मोदी सरकार ने बढ़िया काम, अच्छा काम, अच्छा काम किया है, पसंद है मोदी सरकार। आपके विधायक महिपाल डांडा जी? हाँ जी। तो उसने कुछ करवाया आपके एरिया में काम? अच्छा, ठीक है विधायक महिपाल डांडा, ठीक है, अच्छा मानते हैं? अच्छा मानते हैं। ऐसा क्या कारण है कि विधायक जी को अच्छा मानते हैं और बीजेपी को भी अच्छा मानते हैं? मोदी सरकार और महिपाल डांडा ठीक है, हमारे सब कुछ सही है। सही है, अच्छा। चलिए फिलहाल देखिएगा, आ जाओ आगे, आ जाओ। फिलहाल देखिएगा लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर चर्चाएं करने के लिए आए थे और जानने की कोशिश की कि कैसे फिलहाल अब की बार यहाँ का जो वोटर्स है चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।